पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए 62 सीट्स हैं जिन पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए मुर्शिदाबाद, नादिया, बर्दवान और नॉर्थ कोलकाता में मतदान चल रहा है। इन चार जिलों में कुल 1,37,00,000 मतदाता 418 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें से 34 महिला उम्मीदवार हैं। आज के चुनाव में ममता बनर्जी, कैबिनेट के मंत्री शशि पांजा और साधन पांडे के भाग्य का फैसला होना है। इनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज उत्तर कोलकाता पर सभी की निगाहें हैं, जहां पर 7 सीटों पर कुल 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन इलाकों में लोगों के पास ठीक से रहने की जगह और पर्याप्त साधन भी नहीं है। कोलकाता की इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट कांग्रेस की गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसके अलावा बीजेपी ने भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के करीब 75,000 जवानों के साथ 1,00,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। मेरा कुछ ये नहीं है, सिस्टम एकदम ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा वोट चल रहा है। आशा करता है जब वोट देता है तो सरकार मतलब जो गरीब लोग है उसको थोड़ा ख्याल रखे। महिला का सुरक्षा तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो किस तरह का मतदान चल रहा है, क्या कुछ वो तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे यहाँ पर चर्चा। इंटाली विधानसभा से मेरे सहयोगी सफीक शमसी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ गिरीश पाक से वासुदेव त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करना चाहूंगी सफीक शमसी का। सफी, किस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, किस तरह से चल रहा है मतदान, क्या तमाम वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर लोग यहाँ वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं? उत्तर कोलकाता में और यहाँ जो आज पश्चिम बंगाल में मुद्दे हैं वो हमारे सामने हैं, उसमें नारदा टेप्स हैं, उसमें यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं जैसे ब्रिज का गिरना जो उत्तर कोलकाता में आपको याद होगा थोड़े दिन पहले गिरा था। उसके अलावा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी जो समस्याएं हैं सामने हैं लोगों के। सुबह 7 बजे से ही लोग वोट डाल रहे हैं और कई बूथों पर जाम होकर आए हैं। वहाँ एक अच्छी खासी इस शहर के इस इलाके में जो है भीड़ निकल कर आई है। कुछ लोग अपने वोट डाल चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। गर्मी थोड़ी सी कम है जो पिछले हमने दो फेजेस में देखे उसके मुकाबले, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो एक हिंसा की राजनीति की जो हम बात करते आए हैं वो हमें देखना है कि कलकत्ता में या कोलकाता में कितना शांतिपूर्वक जो है वोट ये सारे दिन में आज गुजरना है, क्योंकि उत्तर कोलकाता माना गया है, पिछले भी हमने इलेक्शंस में देखा है कि कुछ जगहों पर हिंसा की छुटपुट वारदातें पास्ट में जो हमारे पास जो है हो चुकी हैं, होती रही हैं। बिल्कुल सफी, और जो आप यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस ब्रिज के गिरने की बात बता रहे हैं, फ्लाईओवर, विवेकानंद फ्लाईओवर जो मुद्दा है वो यहाँ पर इस फेज में बड़ी चुनौती, एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। मैं वासुदेव त्रिपाठी का रुख करना चाहूंगी। वासुदेव, वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ वहां आप देख पा रहे हैं, क्या इस तरह का मुद्दा वहां भी आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल हिमानी, हम इस वक्त गिरीश पार्क एरिया में जहां पर खड़े हैं, जोरान साको विधानसभा है ये पश्चिम बंगाल की, और जो ब्रिज था जिसके गिरने की हमारे सहयोगी सभी बात कर रहे थे, 31 मार्च को ये ब्रिज गिरा था, वो इसी इलाके में गिरा था। तो बहुत ही बहुत स्वाभाविक है कि ये जो मुद्दा है इस इलाके में, इस विधानसभा में बहुत ही छाया हुआ है, और कहीं ना कहीं पूरे कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में ये जो ब्रिज गिरने का मुद्दा है भ्रष्टाचार से जुड़ करके एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसे सरकारी भ्रष्टाचार के नमूने के तौर पर जो विपक्षी दल हैं वो इसे दिखाना चाहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर वोटिंग की, तो सुबह सुबह हालांकि उस हिसाब से गर्मी अभी नहीं है जिस हिसाब से कोलकाता में गर्मी होती है, लेकिन फिर भी 30 के पार पारा पहुंच चुका है और लोग अपने घरों से वोटिंग करने के लिए निकलने लगे हैं। इसके बावजूद, गर्मी के बावजूद, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग वोटिंग करने निकल रहे हैं, लाइन लगी हुई है, और ये लाइन लगातार सुबह 7 बजे से लगना शुरू हो गई थी जो कि अभी तक जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि वोट करके आ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपने वोट कर दिया है? हाँ। इतनी गर्मी में लोग वोट करने आ रहे हैं, आपने भी वोट किया, क्या कहेंगी? हाँ, वोट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना भी गर्मी हो लेकिन करना तो पड़ेगा ही। आप ये बताइए, यहाँ पर गिरीश पार्क में ब्रिज गिरा था, ये ब्रिज का गिरना और कितना बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर इसे जो है पार्टियां काफी यूटिलाइज कर रही हैं राजनीति में? ये तो एक मुद्दा है ही, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा उन्होंने जो मुद्दा है वो है प्रॉस्पेरिटी और उन्नयन की। अगर वो ठीक रहेगा तब बाकी, ये तो एक मुद्दा है ही जो इतना जन का एक साथ में सडनली डेथ हो गया एक जन के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है कि टोटल वेस्ट बंगाल का जो प्रॉस्पेरिटी है और आगे जाने का बात है, जो विकास है, वो विकास है, जो विकास का मुद्दा है वही मेन है, क्योंकि वेस्ट बंगाल को आगे लेके जाना है, जो उसके आगे लेके जाएंगे उसको ही अच्छा रहेगा ना। जी,
भ्रष्टाचार बिल्कुल यहाँ पर मुद्दा है, ब्रिज गिरना भी लोग उसे लेकर के सेंसिटिव हैं, लेकिन जो आम मुद्दा है जो जिस पर लोग वोट करना चाहते हैं वो विकास है और लोग उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर हिमानी। बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ तमाम और चीजें हैं जिनको लेकर टीएमसी की मुश्किलें बड़ी हुई है। राज्य में टीएमसी की स्थिति अभी कुछ बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। पल पल की जानकारी हम आप दोनों से ही लेते रहेंगे। सफी आपका भी शुक्रिया, वासुदेव आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।